नमस्कार सर, अब हमारे सामने आ गए हैं आनंद जी। आनंद जी कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक। ठीक है आप? आप ठीक कैसे हो सकते हैं सर, आप तो बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं। अरे हाँ, आप तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही हैं, तो फिर ठीक कैसे हैं? सर ठीक इसलिए है क्योंकि अभी एक घंटे पहले जो है मैं आपके पास जब आया था तो आपने मुझे कंसल्ट किया था, मैं काफी डरा हुआ था। डरे हुए थे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि पहली बार एक तो मैं सर्जरी करा रहा था और मेरे कम से कम 14 स्टोन थे। 14 स्टोन थे आपके? जी, लेफ्ट में भी थे, राइट में भी थे और यूरेटर में 4 थे। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे निकल पाएंगे इतने सारे स्टोन्स। तो नामुमकिन सा खेल है सर। हाँ बिल्कुल, अजीब सा लग रहा था। और जब मैं कानपुर से आया हूँ तो कई लोग जो है वहाँ पर भी जो है इस चीज़ को लेके जो है मुझे कई लोगों ने ताने मारे, बेवकूफ भी कहा कि यार कहाँ जा रहे हो, पूरे कानपुर में क्या कोई हॉस्पिटल नहीं है, इतने बड़े बड़े रेजेंसी जैसे हॉस्पिटल है। नाम मत लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। तो और पूरे यूपी में कोई हॉस्पिटल्स नहीं है क्या? तो फिर बस यही है कि लोग जो है अब इलाज कराने के लिए अमेरिका तक जाते हैं, तो मैं क्या यहाँ गुड़गांव नहीं आ सकता? तो उसके बाद क्या हुआ? आप मतलब आप खुश लग रहे हैं, तो क्या हुआ? मतलब निकल गए मोहनजोदारो का आपने बनाया हुआ था पूरे इसमें? हाँ, पाइप में मोहनजोदारो ही था। मैं सर के पास आया तो मैंने सर से यही कहा कि सर 14 स्टोन है मेरे, क्या यानी कि ये निकल पाएंगे? तो सर ने कहा कि बिल्कुल निकल जाएंगे। तो मैंने कहा सर एक तरीके से फिर आपको जो है ये हड़प्पा की खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर ने कहा कि बिल्कुल आज मैं पूरी तरीके से खुदाई करने के लिए तैयार हूँ। तो हमने कहा कि जब इन्होंने मैं तो ऑनलाइन देख रहा था, मतलब इनके कैमरे से जो इन्होंने लगा रखा था, ये लगाया हुआ कैमरा। हाँ, तो मैं देख रहा था। हाँ, तो मैंने जो है आज सर को जो है दीपांशु सर का नाम दूसरा रखा है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई जो है राखल दास बनर्जी जी ने की थी, तो मैंने सर को कहा कि आप तो सर बिल्कुल राखल दास बनर्जी बन गए। और इन्होंने मुश्किल से मुझे लगता है आधा घंटा नहीं लगा होगा, मेरे लेफ्ट राइट दोनों किडनी में और यूरेटर से जितनी भी पथरियाँ थी सब बाहर निकाल दी। तो आपने लाइव देखा? बिल्कुल सर। आप मेरा काम सीख तो नहीं गए हैं सर? और मैं तो सोच रहा हूँ सीख जाऊँ और आप ही के साथ। कितने नंबर देंगे आप हमको, जल्दी जल्दी बता दीजिए, सही सही लगाइएगा। मैं सर आपके इस काम के लिए नंबर दे के आपको जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं। आप तो भावुक कर रहे हैं सर। नहीं, कितना रुलाओगे मुझे यार। और अगर आप लगता है कि नंबर देना इतना ही सेटिस्फाइंग है तो 100 out of 100 तो देना ही है, इसके ऊपर अगर कोई नंबर बनता है तो मैं वो भी देना चाहूंगा। अरे वाह सर, आपने दिल जीत लिया। वाह सर वाह वाह।